नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के बुढ़नपुर से खबर है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मखनाहा पकड़ियापुर गांव में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब ग्रामीणों का राशन सरकार द्वारा भरपूर मात्रा में दिया जाता है, लेकिन हम गरीबों का कोटदार पर पूरा यूनिट पर 2 किलो की कटौती की जा रही है। वह जिसके घर में यदि 10 यूनिट है तो कोटदार द्वारा 10 किलो राशन की कटौती की जाती है। पहले कोटदार द्वारा हमें अपनी यूनिट का पूरा राशन दिया जाता था, जबकि कोटदार की अचानक मृत्यु के बाद कोटे का संचालन दूसरे कोटदार को दे दिया गया है, जिससे कोटदार द्वारा मनमानी अपने तरीके से की जा रही है। अब इसकी शिकायत कार्ड धारक कोटेदार से की तो कोटेदार द्वारा उसे मारने पीटने और रोशन फेंकने की धमकी दी जा रही है, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि लेना हो तो लो अन्यथा यहां से भाग जाओ। और वही मौजूद रहे ग्रामीण कबूतरी आयशा, जेबुनिसा, वहीद, याकूब, नसरुद्दीन, सगीर, अब्दुल बारी, खाओ मोहम्मद, अशरफ, अबू बकर, हनीफ, निजामुद्दीन, अयूब, अब्दुल, समिंग आदि लोगों ने ग्रामीण मिलकर के राशन कोटेदार पर आरोप लगाया है। क्या नाम? याकूब। कौन सा गांव? ग्राम पकड़ियापुर। क्या समस्या आपकी? समस्या हमारे यहाँ हमारा मिलता है 30 किलो हमको मिल रहा है। क्या मिलता है? कोटे पाए हैं क्या? हाँ, कोटे पाए हैं। अच्छा, क्या कोटेदार कह रहा है? कोटेदार कह रहा है कि लेना। नाम तो क्या है? नाम क्या? याकूब। कोटेदार का नाम क्या? कोटेदार तो मर गए। कोटेदार हमारा इस पार हो गया। अच्छा, अटैच है किसी? हाँ, अटैच हो गया, हो गया। क्या कह रहे हैं कोटेदार? इसमें कह रहे हैं कि 26 किलो हमको दिए हैं, 30 किलो हमारा बनता है, और फिर कह रहे हैं लेना तो लो नहीं चले जाओ, बस धमकी भी दे रहे हैं। और धमकी दे रहे हैं लेना तो लो नहीं, बाहर हम जा रहे हैं, 10 मिनट बाद आना, फिर हमसे मिल लेना बाद में। क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद। कौन सा गांव? मखना ग्राम से। क्या समस्या? समस्या ये है, मेरे घर में 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मैं गल्ला लेना आया, यहाँ पर मुझे 12-13 किलो दिया जा रहा है, 2 यूनिट, 1 यूनिट पे 1 किलो कम करा जा रहा है। मैंने इसके लिए आपत्ति करी, मैंने सर क्यों कम किया जा रहा है? बोल रहे हैं मैं कम दूंगा 1 किलो, मेरा भी खर्चा है। तो उसके ऊपर मैंने मना किया इनसे कि मुझे नहीं चाहिए गल्ला, या तो मुझे दो पूरा दो, नहीं देना है तो मुझे एक भी नहीं चाहिए। तो बोले नितई मत झाड़ा, और मेरे साथ और लोग भी, तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, तो बोलने ज़्यादा तुम्हार नेता ही अब तुम्हारी गाड़ी में डाल दे, हमें मारने की धमकी भी दिए। अच्छा, आप अपना हक मांग रहे थे मारने? हम अपना हक मांगे तो वो हमें मारने के लिए धमकी, कुछ कम दिया जा रहा है, कटौती की जा रही है। देखिए, जो भी है जो है, मैं 1 महीने का ट्रीटमेंट का कोटदार हूँ, 1 से 2 महीने का। ये लोग उससे संतुष्ट नहीं है, जो है हमारे जो कोटदार हैं उनके मृत्यु की वजह से हमसे संतुष्ट नहीं है। बाकी का जो है, जो मैं जिनका जो यूनिट है उस हिसाब से मैं खाद्यान्न दे रहा हूँ, इनका सारा था 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल। संतुष्ट क्यों नहीं है? कैसे अब नहीं संतुष्ट है? अब देखिए, जो उसके लिए कुछ नहीं संतुष्ट है, क्या कारण है जो संतुष्ट नहीं है? अब उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर। बाकी देखिए, जो है ग्राम सभा के काफी लोग हैं, ये आपके सामने खड़े हैं, क्या आप लोगों को जो है असंतुष्टि है? क्या आप लोगों को संतुष्टि है मेरी की तरह से? संतुष्ट है कि नहीं आप लोग? कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। अच्छा, तो मैं भाई जब तक है, आप मैं उसको तो नहीं जवाब पाऊंगा। देखिए, जैसा कि असंतुष्ट क्यों नहीं है, उसको तो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। उसी के कारण जो नहीं संतुष्ट है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। जो है मेरी तरफ से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सही रूप से वितरण कर दिया जाए, जैसे आपके द्वारा घटतौली नहीं की जा रही है। नहीं सर, नहीं, पूरा